सुजानपुर महाविद्यालय में माता सरस्वती की मूर्ति की स्थापना पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की अध्यक्षता में संपन्न की गई, जिसको लेकर पीटीए कमेटी के अध्यक्ष सुखदेव ठाकुर ने ये मूर्ति की स्थापना करवाई है। वहीं उन्होंने बताया कि मूर्ति की स्थापना करने से बच्चों को प्रांगण में मां सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने बताया कि नवरात्रों के दौरान मां सरस्वती की मूर्ति रखना बड़े ही सौभाग्य की बात है, जिसके लिए उन्होंने कॉलेज प्रबंधक और पीटीएम कमेटी का धन्यवाद किया। सुजानपुर महाविद्यालय में माता सरस्वती की मूर्ति की स्थापना पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की अध्यक्षता में संपन्न की गई, जिसको लेकर पीटीए कमेटी के अध्यक्ष सुखदेव ठाकुर ने ये मूर्ति की स्थापना आज करवाई है। वहीं उन्होंने बताया कि मूर्ति की स्थापना करने से बच्चों को प्रांगण में मां सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होगा और बच्चों को पढ़ाई की तरफ भी मन लगेगा। वहीं उन्होंने मां सरस्वती की महिमा का भी वर्णन किया। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने बताया कि नवरात्रों के दौरान मां सरस्वती की मूर्ति रखना बड़े ही सौभाग्य की बात है, जिसके लिए उन्होंने कॉलेज प्रबंधक और पीटीएम कमेटी का धन्यवाद किया। वहीं उन्होंने बताया कि मां सरस्वती के आशीर्वाद से ही सब कार्य स्थित होते हैं। वहीं उन्होंने बताया कि सरस्वती की मूर्ति बहुत ही सुंदर और भव्य बनाई गई है। वहीं पीटीए प्रधान द्वारा हवन का आयोजन भी किया गया और भंडारे का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपमंडल अधिकारी शिल्पा, तहसीलदार अशोक पठानिया, पीटीए अध्यक्ष सुखदेव ठाकुर, महाविद्यालय प्रधानाचार्य वीरेंद्र ठाकुर सहित अन्य कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। नगर परिषद के अध्यक्ष अशोक मेहरा जी,